जस्टिस मार्कंडे काटजू वर्सेस लोकसभा, ये सुप्रीम कोर्ट का 2016 का जजमेंट है और इसमें जो जस्टिस मार्कंडे काटजू है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब उनका ये कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा में उनके खिलाफ एक जो है यूनेनिमस रिजोल्यूशन पास किया गया है, उसे सेट साइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और ये जो लोकसभा का जो रिजोल्यूशन था और राज्यसभा का जो रिजोल्यूशन था वो जस्टिस मार्कंडे काटजू के खिलाफ किया गया था, क्योंकि जस्टिस मार्कंडे काटजू ने अपने ब्लॉग का यूज करते हुए महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट और सुभाष चंद्र बोस को जापानियों का एजेंट बोला था। तो उसी के बाद पार्लियामेंट में जस्टिस मार्कंडे काटजू के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज हैं उनके द्वारा जो रेजोल्यूशन जस्टिस मार्कंडे काटजू के खिलाफ पास किया गया था उसे ठीक माना।